बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 18 का दूसरा लेक्चर पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स। तो दो तरह की डिवाइसेस स्टूडेंट्स मार्केट में काम कर रही हैं, एक तो हो गए इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स का काम है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग में चेंज करना। मिसाल के तौर पर आप घरों में जब UPS लगवाते हैं तो UPS के साथ एक अदद इन्वर्टर लगता है। अब UPS सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है और जो साथ इन्वर्टर है वो आपको कौन सा करंट प्रोवाइड करता है? अल्टरनेटिंग। क्यों अल्टरनेटिंग? क्योंकि हमारे घरों को जो डिवाइसेस हमने लगाई हुई हैं वो सारी अल्टरनेटिंग करंट पे काम करती। और इसी का ऑपोजिट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है डायरेक्ट करंट में। व्हाई डू वी नीड रेक्टिफायर्स? फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन ने चार्ज होना है, उसमें बैटरी है, तो बैटरी विल गेट चार्ज विद डायरेक्ट करंट। लेकिन आप उसका स्विच कहाँ लगा रहे हैं? होम अप्लायंसेस में, घर के शू में। तो घर में जो करंट आ रहा है वो तो एसी है, बैटरी ने किसे चार्ज होना है? वन डायरेक्शनल डायरेक्ट करंट से। तो इसका मतलब है कि आपको दरमियान में एक डिवाइस चाहिए है जो एसी को पहले किस में चेंज करे? डीसी में। और फिर मोबाइल बैटरीज नॉर्मली 5 वोल्ट तक चार्ज होती हैं, तो हमें तो 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की भी जरूरत पड़ती है। तो रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, सच कंपोनेंट्स आर इम्प्लांटेड इन अ मोबाइल चार्जर। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, दिस फिनोमेना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर का बेसिक आइडिया हमें मिलता है फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन हो जाती है, रिवर्स बायसिंग में कंडक्शन नहीं होती। तो ये जो प्रिंसिपल है ये उससे हम रेक्टिफायर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट साइकिल को समझ ले। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों दो साइकिल्स पे मुश्तमिल होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये हो सकता है कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हो सकता है कि करंट इस लम्हे में पहले से ऑपोजिट वे में मूव करेगा। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि रेक्टिफाई द वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनपुट देते हैं ये पूरे अल्टरनेटिंग करंट्स की, तो इसका सिर्फ एक हाफ, लेट्स से ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये हाफ्स आगे कंडक्ट हो सकते हैं और ये जो हाफ हैं ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें एक ही डायरेक्शन वाले तमाम पीक्स जो हैं, तमाम हाफ्स मिल जाएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफायर जो कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई कर दे, यानी इसमें जो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो भी रेक्टिफाई होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी रेक्टिफाई होगा, यानी ये वेव का कंप्लीट साइकिल जो है उसको रेक्टिफाई करके एसी से किसमें चेंज कर देता है? डीसी में। अब ये काम किस तरीके से होता है, लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, हाफ वेव रेक्टिफायर। आसान लफ्जों में आपको एक चाहिए पी रीजन, एक एन रीजन, यानी एक डायोड चाहिए। उसके साथ आपने लगाना है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और आउटपुट लेने के लिए एक रेजिस्टेंस, एक अदद स्विच कनेक्ट कर दें और इसको फिर कर दें क्लोज। अब जब आपके पास अपीयर होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेट से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से T/2 टाइम तक आता है, तो 0 से T/2 टाइम तक लेट इट बी पॉजिटिव, लेट दिस एंड बी नेगेटिव, यानी ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड नेगेटिव हो जाएगी। अब पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव से, ये कौन सी बायसिंग होगी? फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सी होगी? तो इस हाफ साइकिल के लिए हमारा डायोड ऐसी ओरिएंटेशन में है कि ये कौन सी बायसिंग हो रही है? फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ कनेक्ट द सिचुएशन कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो कंडक्शन हो जाती,
तो करंट जो है वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ, यानी होल्स की जो फ्लो है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट ही हम यहाँ पे फ्लो करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस आर एल रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा और सर्किट में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ कहेंगे जी वी गॉट द आउटपुट ऑफ वन हाफ साइकिल। अब जीरो से टी बाय टू तक जो हम हमारे पास यहाँ पर, ये तो लेट से इनपुट हो गई और यहाँ पे हम आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं, तो आउटपुट पर हमें ये सिग्नल रेक्टिफाई होके मिल गया। अब आता है नेगेटिव हाफ साइकिल, टी बाय टू से लेकर टी तक। तो टी बाय टू से लेकर टी टाइम तक ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव, यानी अब ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, कौन सी बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब है ये हाफ साइकिल डायोड को किस कंडीशन में ले गया है? रिवर्स बायसिंग में। अब रिवर्स बायसिंग विल ब्लॉक द करंट, सो वी विल हैव अ ब्लैंक स्पेस। उस रीजन में हमें ब्लैंक स्पेस मिलेगी जिस रीजन में हमारे पास एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो T by 2 से T तक we will not have any kind of conduction। उसके बाद क्या होगा? यही साइकिल रिपीट होगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो we will have a conduction। नेगेटिव हाफ साइकिल, नो कंडक्शन। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो फिर हमारे पास कंडक्शन हो जाएगी। सो जितने हाफ साइकिल्स नेगेटिव थे वो इस सारी सिचुएशन में हो जाएंगे रिमूव और हमें वन डायरेक्शनल जो है वो पल्सवेटिंग डायरेक्ट करंट मिलेगा। अभी भी ये डायरेक्ट करंट स्मूथ नहीं है, इसकी भी वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, लेकिन कर एक ही डायरेक्शन में रही है। इस डायरेक्शन को अगर आप इमेजिन करें ना, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के आपको मेंशन करके समझाता हूँ कि इन पल्सेस का मतलब क्या है। एक डायरेक्शन की पल्सेस का मतलब है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अब दोबारा पल्स आती है तो करंट इसी डायरेक्शन में दोबारा राइज फॉल के प्रोसेस से गुजरेगा, फिर आएगा तो फिर इसी डायरेक्शन में, यानी जो ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट था वो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में तो हमें नुकसान है जी, हमारा आधा साइकिल तो वैसे ही यहां पे जाया हो रहा है। तो हम ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह चार डायोड जो है वो एक ब्रिज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, जुड़े ऐसे हुए हैं कि D1 और D3 एक डायरेक्शन में है, D2 और D4 एक डायरेक्शन में है। नंबर वन, नंबर टू, कहां आपने अप्लाई करना है इनपुट और कहां अप्लाई करना है आउटपुट। एमकैट में पिछले दो तीन सालों से इस हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनी होती है, पूछा जाता है कि जी अगर हम ए और बी साइड के क्रॉस इनपुट दें तो कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं, आपने कॉर्नर्स देखने हैं, जहां पर डायोड का नेगेटिव अगले डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो बच्चों, वहां से आपने अप्लाई करना है इनपुट वोल्टेज। यहां पर हम इनपुट वोल्टेज, अब देखें इस साइड पे भी देखें तो नेगेटिव किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो ये हमारे पास आ गई इनपुट साइड। नंबर टू, जहां पर डायोड्स की एक जैसी पोलैरिटीज कनेक्टेड हो, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहां से आपने कनेक्ट करना है आउटपुट। अच्छा, ये तार है ना, तो इसके ऊपर से ये जंप लगवा लेना। ये जंप मेंशन करेगी दो अलग अलग तारे। यहां पर अब हमें आउटपुट भी लेना है, तो यहां पे एक आउटपुट रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं और इस सर्किट को हम कर देते हैं कंप्लीट। सो आसानी के लिए मैं इस सर्किट को भी साथ ही कंप्लीट कर देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि जगह बच जाए काम करने के लिए। ठीक, इसी तरह यहां से इनपुट ले जाकर
आउटपुट कनेक्ट कर देंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ठीक है। यहां पर हम चले इनपुट और आउटपुट को टेस्ट करने के लिए कि हमारे पास इनपुट साइकल्स और हमने टेस्ट करना है कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगी। इनपुट एंड आउटपुट, तो यहां पर लेट अस से कि हमारे पास पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है स्टूडेंट्स, ये साइड हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव। तवज्जो पूरी इधर रखनी, पॉजिटिव इस साइड को पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव इस साइड को नेगेटिव कर देगा। जब आप यहां तक पहुंच जाएं तो अब आप देखें कि कौन कौन से डायोड्स हो गए हैं फॉरवर्ड बायस्ड और कौन से हो गए हैं रिवर्स बायस्ड। पॉजिटिव कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव, कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। पॉजिटिव टू नेगेटिव रिवर्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव रिवर्स। अब आपने अगली बात याद रखनी है, जो हो गए हैं रिवर्स बायस्ड, फर्क कर दें उनको, इग्नोर कर दें, उससे करंट नहीं गुजरेगा। करंट गुजरेगा वहीं से जहां से रास्ता मिलेगा, रास्ता दे रहे हैं D2 और D4, यानी हमें 0 से टाइम T/2 तक दो डायोड्स फॉरवर्ड बायस मिल रहे हैं, D2 एंड D4, जबकि D1 और D3 ये दोनों कौन से में आ गए हैं? रिवर्स बायसिंग में। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ये है लोड रेजिस्टर, यहां पे आगे आप CRO भी कनेक्ट कर सकते हैं सिग्नल को देखना चाहें तो, एटसेट्रा। करंट को आपने बच्चों पॉजिटिव से लेकर जाना है नेगेटिव की तरफ, उन रस्तों से गुजार कर जो करंट को गुजरने दें। तो देखें पॉजिटिव से करंट चला, मैं बहुत स्लोली इस चीज को प्रोसेस करूंगा, आपने देखना है गौर से, करंट यहां तक आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा रास्ता है जो खुला हुआ है? D2, इस रास्ते से गुजरना मुमकिन है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो करंट विल फॉलो दिस पाथ। आगे फिर दो रास्ते हैं, एक रिवर्स बायस का है और एक कंडक्शन का है, तो करंट रिवर्स बायस को छोड़ेगा और इस रेजिस्टर से डाउनवर्ड मूव करता हुआ, अब इसे आप मूव करते हुए चला दें, याद रखें जंप था, यानी अभी तक करंट इसी वायर में ही है और अब करंट आ गया इस जगह पर। यहां पे फिर दो कॉर्नर्स हैं, एक है रिवर्स बायस, एक है फॉरवर्ड बायस, तो करंट विल मूव थ्रू दिस रिवर्स नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट बजाय रिवर्स के जाने के इस रास्ते को फॉलो करता हुआ ये जंप के नीचे से गुजर के अपनी डेस्टिनेशन नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा और ये सिग्नल इतनी मेहनत के बाद कंडक्ट हो जाएगा। वी इग्नोर द रिवर्स बायस डायोड्स एंड द करंट ओनली कंडक्टेड थ्रू द फॉरवर्ड बायस डायोड्स। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। अब आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल पर, कि नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम T/2 टू टाइम T, ये साइड नेगेटिव और ये साइड हो जाएगी पॉजिटिव। नाउ द नेगेटिव विल मेक इट नेगेटिव, पॉजिटिव विल मेक इट पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव नेगेटिव से फॉरवर्ड बायसिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायसिंग, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जब T/2 से T तक जाएगा तो हमारे पास जो D1 और D3 डायोड्स हैं ये एक्ट करेंगे एज फॉरवर्ड बायसिंग, और जो D2 और D4 डायोड्स हैं दे विल एक्ट लाइक रिवर्स बायसिंग। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे। अब
करंट को फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है। तो टेक अ स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, घबराए बगैर, डरे बगैर करंट को गुजारते रहें। याद रखिए जंप है, अभी आप इसके नीचे से जा रहे हैं, ये आगे करंट। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड है, तो करंट इस पॉइंट तक आके आगे गुजरेगा किससे, D3 से। फिर दो रास्ते हैं, एक है रिवर्स का, जो रिवर्स का रास्ता उसे छोड़ दें और करंट को उस रास्ते से गुजारें जो करंट को कंडक्ट कर सकता हो। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, ये था लोड रेजिस्टेंस, इससे हमने लेनी थी आउटपुट। अभी थोड़ी देर पहले भी तो इसमें करंट डाउनवर्ड ही गुजरा है, और जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं वहां से भी अभी करंट डाउनवर्ड ही गुजरा है। इसका मतलब है करंट तो रेजिस्टर से अभी भी सेम डायरेक्शन में ही गुजरा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल था ये अल्टरनेटिंग करंट की हद तक नेगेटिव था, बट हमारे डायोड्स ने इसको फिर रेजिस्टर से एक ही डायरेक्शन में पास किया है, तो वी विल गेट अगेन द सेम डायरेक्शनल करंट। यहां तक आ गया करंट, अब ये जंप से होता हुआ इस पॉइंट तक आएगा, रिवर्स को छोड़ देगा, फॉरवर्ड से गुजरेगा और ये फॉरवर्ड से गुजर के अपनी डेस्टिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू कहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव। फिर ये सिचुएशन रिपीट होगी, फिर ये रिपीट होगी, अगेन दिस। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक भी जो साइकिल था हाफ था वो मिस नहीं हुआ, हमने पूरा जो अल्टरनेटिंग साइकिल था उसको कंडक्ट कर लिया है और उसको AC से किस में चेंज कर लिया है, DC। अब ये DC फिर पल्सेस है, पल्सेटिंग DC में और स्मूथ DC में फर्क होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है। सेम ऐसा बच्चों DC जनरेटर में भी होता है, उसमें भी इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है, उसमें एक से ज्यादा कॉइल्स इस्तेमाल करके। यहां पर क्या किया जाता है कि इस सारे आउटपुट को आगे कुछ सर्किट से जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, एक होता है फिल्टर सर्किट होता है, उससे गुजारा जाता है। फिल्टर सर्किट जो होते हैं उसमें कैपेसिटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट से गुजरने के बाद ये जो पल्सेटिंग DC है ये समहाउ स्मूथ DC में, स्मूथ का मतलब सिंपल ये होगा जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हो जाए, यानी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज करके 5 और 5 से फिर 0 हो रही हो। कांस्टेंट का मतलब होगा कि चाहे ये करंट वोल्टेज 2.5 वोल्ट ही क्यों ना हो जाए लेकिन रहे ये 2.5 ही। तो हाफ वेव क्या करता है, हाफ वेव सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, फुल वेव दोनों साइकिल्स को, हाफ को भी और फुल को भी रेक्टिफाई कर देता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट एफिशिएंसी होती है वो 40.6% होती, और फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसकी आउटपुट एफिशिएंसी 81.2% होती। ये परसेंटेज 50% से या 100% से कम इसलिए है क्योंकि डायोड्स के अंदर बैरियर्स हैं और डायोड्स के अंदर भी कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है उनके पोटेंशियल बैरियर्स की वजह से। तो ये था स्टूडेंट्स लेक्चर ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगला लेक्चर जो है वो हमारा होगा स्पेशल पर्पस डायोड्स पे, जल्द हाजिर होंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।